बाड़मेर शहर की कृषि उपज मंडी में एक किराने की दुकान में सोमवार अल सुबह अचानक आग लग गई। आग की तेज लपटें और धुआं देखकर अफरा तफरी मच गई। वहीं सूचना मिलने पर सिविल डिफेंस, केएन वेदांता और नगर परिषद की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। घंटों तक कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं डीएसपी अरविंद जांगिड़, तहसीलदार और कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची और आग के कारणों के संबंध में पूछताछ करने के साथ आसपास की दुकानों को खाली करवाया। आग के कारण दुकानदारों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। बाड़मेर शहर की कृषि मंडी किराने की दुकान में सोमवार अल सुबह अचानक आग लग गई। आग की तेज लपटें और धुआं देखकर मंडी में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते पर सिविल डिफेंस, केन और नगर परिषद की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। डीएसपी अरविंद जांगिड़, तहसीलदार और कोतवाली पुलिस जाब्ते भी मौके पर पहुंचकर आसपास की दुकानों को तुरंत ही खाली करवाया। नगर परिषद, सिविल डिफेंस की फायर ब्रिगेड ने 13 फेरे कर करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दुकान में रखा सारा सामान आग की भेंट चढ़ गया। आग के कारण दुकानदार को लाखों रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। वही आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। जानकारी अनुसार सोमवार को अल सुबह करीब 6 बजे कृषि मंडी के ब्लॉक की किराना दुकान में अचानक आग लग गई। दुकान के बंद होने की वजह से धुआं बाहर आने लगा, जिससे मंडी में अफरा तफरी मच गई। सुबह के समय लोगों ने धुआं देखकर पुलिस व प्रशासन को सूचना दी। सूचना पर सिविल डिफेंस, नगर परिषद की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। दुकान लंबी और अंदर की तरफ आग लगने के कारण आग बुझाने में दमकल कर्मियों को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। जानकारी मिलने पर बाड़मेर SDM समंतर सिंह भाटी, DSP अरविंद जांगे, तहसीलदार आयुक्त सहित प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। मौके पर नगर परिषद की JCB मशीनों को बुलाया गया, वही आसपास की दुकानों को खाली करवाया गया। DSP अरविंद जांगिड़ के मुताबिक कृषि मंडी की किराना दुकान में सोमवार सुबह 6 बजे आग लगी। तुरंत दमकल बुलाकर आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिए। बंद दुकान में तंबाकू, सिगरेट, प्लास्टिक का सामान होने के कारण आग जल्दी फैल गई थी। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड व केन की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। एहतियातन वही आसपास की दुकानों को खाली करवाया गया। पुलिस भी आ गई और नगर निगम की गाड़ियां भी आ गई और सारी दमकलें आ गई। आग पे काबू पाने के प्रयास किए जा रहे हैं। अब आग किस समय लगी, कैसे लगी, इसके बारे में अभी कोई जानकारी स्पष्ट नहीं है। ये तो जांच का विषय है, जांच होने के बाद में ही पता चलेगा। सुरेश जी मालू करके हैं आरंग के, उनकी दुकान है जिसमें प्रोविजन का सामान है, प्लास्टिक का सामान है, इस तरह का सामान है। तो आग भी जल्दी पकड़ता था। कब लगी आग इसके बारे में कुछ पता नहीं है, किसी को कोई जानकारी नहीं है और जांच होने के बाद में पता चल पाएगा कि भी आग कैसे लगी, किस समय लगी, ये जांच का विषय है। तो जांच होने के बाद में ही पता चल पाएगा, अभी अपन इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। पुलिस व प्रशासन ने व्यापारियों की मदद से आसपास की दुकानों से माल को बाहर निकाला ताकि आग पास की दुकानों में नहीं फैले। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग लगी दुकान के आगे पीछे से दुकान को तोड़कर काबू पाया। दुकान में अंदर घुसने के लिए जगह नहीं होने के चलते JCB मशीनों को बुलाकर तोड़वाया गया। वहीं नगर परिषद की 2 फायर ब्रिगेड ने 9 फेरे, सिविल डिफेंस की फायर ब्रिगेड ने 4 फेरे और केंट की फायर ब्रिगेड ने करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।